क्या आप यकीन कर सकते हैं कि आज किस्मे में आपके आसपास के लोग नाले का पानी पी रहे हैं? आपको बता दें कि देहरा विधानसभा क्षेत्र की महबा पंचायत के धारपनियाली गांव में आज तक किसी भी घर में पानी का नल नहीं है। ये लोग नाले के पानी को एक जगह इकट्ठा करके उसको कपड़े से छान कर अपनी ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं। गाँव वासियों का कहना है कि उन्होंने XCM से लेकर विधायक तक सबसे गुहार लगाई, लेकिन कहीं से भी कोई राहत नहीं मिली। अब गांव वासियों ने उनके गांव पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर सुकृत सागर को जब अपनी यह दशा दिखाई तो डॉक्टर सुकृत ने हैरानी जताते हुए कहा कि आज के समय में ये विश्वास कर पाना मुश्किल है कि लोगों को मजबूरन नाले का पानी पीना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि उनको इस गांव के लोगों ने पानी समस्या को दिखाने के लिए बुलाया था और उन्होंने देखा है कि इस गांव में किसी भी घर में पानी का कनेक्शन नहीं है। डॉक्टर सुकृत ने बताया कि ये लोग नाले का पानी एक जगह एकत्रित करके फिर ग्रेविटी से उस पानी को अपने घरों तक पहुंचा रहे हैं, फिर उसी पानी को पी रहे हैं तथा अपनी रोजमर्रा की पानी की जरूरत को पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर सुकृत ने कहा कि अपने लोगों की ये हालत देखकर मुझे पीड़ा हुई है, लेकिन अब लोगों की इस समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। डॉक्टर सुकृत ने कहा कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हर घर में जल की योजना चलाई है, जिसके तहत मेरी कोशिश रहेगी कि जल्द ही इन लोगों को पानी की सुविधा मिल सके। आज देहरा विधानसभा क्षेत्र की महबा पंचायत के धारपनियाल गांव में मेरा आना हुआ। कुछ समय पहले मुझे पता चला था कि यहां पे पानी की बहुत समस्या है, लोग जो है बिना पानी के यहां पे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज मैंने स्वयं आके देखा तो जो तस्वीर हमारे मेरे सामने आई है बड़ी हैरान करने वाली है और सकते में डालने वाली है कि किस तरह से ये लोग एक नाले का पानी एक जगह इकट्ठा करके उस पानी को ग्रेविटी से अपने घरों तक पहुंचा रहे हैं और फिर उसी पानी को पी रहे हैं, उसी पानी से नहा रहे हैं, उसी पानी से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। ये हैरान करने वाली बात है, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद अधिकारी क्यों नहीं आज तक इन घरों तक एक नल पहुंचा पाए, ये चिंता का विषय है। मैंने ये सारी स्थिति देखी है, सारी की सारी बात जो है वो सरकार के समक्ष भी रखी जाएगी, अधिकारियों के समक्ष भी रखी जाएगी। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हर घर नल हर घर जल योजना चलाई हुई है और जल्द कोशिश की जाएगी कि यहाँ पे इन जितने भी ये घर हैं इस गांव में, इन सबको हर घर को पानी का कनेक्शन जो है वो मिले और इनकी पानी की आपूर्ति पूरी हो। ये सही में एक चिंता का विषय है कि ये लोग इतने समय से नाले का पानी पीने को विवश हैं, मजबूर हैं और अधिकारियों का ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया, ये भी एक जांच का विषय होना चाहिए कि अधिकारियों की जो नेग्लिजेंसी है वो इतनी ज़्यादा क्यों रही इनके प्रति।